जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वैदिक पद्धति हमारी सनातन पद्धति है और पुरातन पद्धति है। कहा गया है वेद वाणी संस्कृत भाषा, वेद वाणी देव भाषा। जो वेदों की भाषा है वो देवताओं की भाषा है, और हमारी जो वैदिक पद्धति है वो तुरंत लाभ देने वाली होती है और दीर्घ काल तक के लिए, लंबे समय तक के लिए ये लाभ देने वाली हुआ करती है। कुछ लोग भटक जाते हैं, लौकिक या तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और परिणाम क्या होता है कि घर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आदमी एक परेशानी को मिटाने के लिए अनेकों परेशानियां अपने जीवन में फिर पैदा कर लेता है। इसलिए कभी भी भटकना नहीं चाहिए। अपने वैदिक मंत्रों में, अपनी वैदिक पद्धति में, अपने देवी देवताओं पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए व्यक्ति को। देखिए कहा गया है यथा तरोर मूल निषेच नेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार आप एक वृक्ष होता है, वृक्ष को देखेंगे उसके सैकड़ों डालियां होती हैं, हजारों फल लगे होते हैं, लाखों पत्ते होते हैं। आप सोचो एक एक पत्ते पे पानी डाला जाए, जा करके एक एक टहनी को पानी दिया जाए या एक एक फल को पानी दिया जाए, तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आप नीचे गिर सकते हो, चोट लग सकती है आपको। यथा करोर मूल निषेच नेना, वहां पे आवश्यकता क्या है आपको, मूल में जो वृक्ष की जड़ है उसमें पानी देने की आवश्यकता है। और वो जड़ क्या है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप संसार के किसी भी देवी देवता को नमस्कार करते हैं तो सीधा भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाता है। जैसे बारिश का पानी बहुत तेज गति से भागता हुआ नदियों में जाकर के मिल जाता है, फिर वो नदियों से होते हुए सागर में जाकर के मिल जाता है। वैसे ही आप किसी भी देवी देवता को नमस्कार करते हैं तो केशवम प्रतिगच्छति, भगवान नारायण के चरणों में वो पहुंच जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी वैदिक पद्धति पे पूर्ण विश्वास करें, वैदिक पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वैदिक पूजा बहुत शांति देने वाली है। आप मेडिटेशन करें, भावातीत ध्यान करें, अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करें, तो ये सब वैदिक पद्धति से होता है। तो आप लोगों को आगे भी मैं वेदों के प्रति, वेदों की व्याख्या, वेद मंत्रों की व्याख्या आप लोगों को करके बताता रहूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।